ठीक है यार, थैंक यू। आप क्या करना है? ठीक है, इट इज डन सर। चलो जानने का अवसर प्राप्त होगा। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री सचिन भाई सर बोलेगी तो इनको पता चलेगा। देखो ये बिहार से आके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है सर? ये ठीक है, हमारी छोटी काफ़ी ज़्यादा मैं आज खुश हूँ। ये बहुत ज़्यादा जॉयफुल मोमेंट है कि जो हमारी 14 बटालियन CRPF उन्हें मौका दिया कि हम जा रहे हैं हैदराबाद और दिल्ली, उन्हें फ्री टूर रखा है और इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा वो मौका मिलेगा कि वहाँ के लोगों से हमारी जान पहचान हो, वहाँ का कल्चर हम जान पाए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, हम जा पाए। अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं गए होते कश्मीर से बाहर, तो वो देख पाएंगे फ्री में। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है और उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आज टूर जा रही हूँ तो ये फ्री में टूर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं हैदराबाद जा रही हूँ, पहली बार मैं घर से निकली हूँ। मैंने बहुत सुना था हैदराबाद के बारे में, वहाँ चार मीनार वगैरह। तो अब मैं फ्री में जा रही हूँ तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड फील कर रही हूँ इसके बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ 14 बटालियन CRPF की, जिन्होंने हमें ऐसे फ्री में टूर करवाया हैदराबाद एंड दिल्ली में। ये टूर शोपियान से हम भेज रहे हैं, गर्ल्स का टूर है। इसमें कुछ बच्चियां को हम भेज रहे हैं और हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को, कि उन्होंने हमारे पे विश्वास जताते हुए ये टूर पे बच्चों को भेजने के लिए सहमति दी है। ये टूर हैदराबाद और दिल्ली का टूर है, तो हैदराबाद के विभिन्न इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको हम इनका विजिट कराएंगे बच्चों का। इससे बच्चों की जो नॉलेज एनहांसमेंट है और बाकी देश को देखने समझने की, वहाँ के लोगों से कैसे जीते हैं, किस प्रकार का उनका व्यवहार, आचार व्यवहार और जीवन पद्धति है, उसको देखने और समझने का भी मौका मिलेगा। 15 बच्चियों को भेज रहे हैं और इसका मकसद यही है कि बच्चों की नॉलेज में एनहांसमेंट करना। और ये पहला ऐसा अवसर है कि गर्ल्स को हम भेज रहे हैं और ये प्रथम अवसर शोपियान ज़िले को प्राप्त हुआ है CRPF के माध्यम से। और मैसेज यही है कि बच्चों को एक्सपोज़र मिले और उन्हें देश को समझने की